Dear students of class 6th, very good morning to all of you. Once again, welcome to you in online classes. Dear students, आज हम आपकी जो second story है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका title है The Friendly Mongoose. जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं हम अपने घरों में रखते हैं, पालतू जानवर जिनको हम पालते हैं, वो जो मास्टर होता है, जो मालिक होता है घर का, जैसे हम डॉग्स रखते हैं, कैट हो गई, काउ, गोट, ये सारे एनिमल्स जो हैं ये फ्रेंडली हो जाते हैं अपने घर वालों के साथ, जिस भी एनिमल को हम डोमेस्टिकेट करते हैं. तो इस स्टोरी में भी हम पढ़ेंगे कि कैसे जो एक एनिमल है जिसको एक किसान जो है घर में लाता है, तो किस तरह से वो फ्रेंडली हो जाता है. तो इसमें हम पढ़ेंगे फ्रेंडली मंगूस. फ्रेंड का आप जानते ही हो कि इसका मतलब होता है मित्र, दोस्त. दोस्त बन जाते हैं वो जानवर. जैसे मंगूस होता है नेवला, जिसकी सांप के साथ बहुत दुश्मनी होती है, एक दूसरे के एनिमी होते हैं, ये दुश्मन होते हैं. तो इसमें हम आज स्टोरी में पढ़ेंगे कैसे एक किसान जो है वो एक बेबी मंगूस लाता है घर में. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें और अपनी टेक्स्ट बुक भी घर में खोल के सामने रख सकते हैं. अ फार्मर, His wife and their small child lived in a village. कहते कि एक किसान और उसकी पत्नी और उसके साथ उनका एक छोटा बच्चा जो है वो एक घर में रहते थे, एक गांव में रहते थे. There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. कहते कि उनके साथ एक बेबी मंगूस, एक नेवले का जो बच्चा जो है, नेवला छोटा, वो घर में ले आता है किसान, वो रहता है उनके साथ, और जिस पे उनको पूरा विश्वास था कि ये उनके जो बेटा जो है, जो भविष्य में चलकर ये दोनों मित्र बन जाएंगे, उनका साथी बन जाएगा ये. वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद मंगूस. कहते कि एक दिन क्या होता है, फार्मर और उसकी जो वाइफ है वो बच्चे और मंगूस को अकेला घर में छोड़कर वो कहीं चले जाते हैं बाहर. तो क्या होता है, ये ब्रीफली बताया है शॉर्ट स्टोरी में कि आपकी क्या क्या आप इस स्टोरी में पढ़ेंगे. तो चलिए आगे हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. कहते वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन. कहते कि एक बार की बात है, एक किसान और उसकी पत्नी और उनके साथ उनका छोटा बेटा जो है वो एक गांव में रहते थे. दे लव्ड हिम वेरी मच, वो उससे बहुत प्रेम करते थे. वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे. व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन. एक दिन क्या होता है, किसान जो है वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए, पालतू जो जानवर जो है वो होना चाहिए, जो हमारे बेटे का फ्यूचर में जब बड़ा हो जाएगा ये, तो उसका साथी बन जाएगा. कंपेनियन का मतलब होता है साथी, कंपनी से बना है ये. दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया. कहते कि ये आइडिया सुनकर, ये विचार जो है, उसकी पत्नी जो है उसे भी पसंद आया. वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टिनी मंगूस. इट्स बेबी मंगूस, सेड हिज वाइफ, बट विल सून बी फुली ग्रोन, ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन. क्या हुआ कि एक दिन शाम को जो है किसान जो है अपने साथ एक टिन्नी, बहुत ही छोटा सा जो मंगूस है, जो है नेवले का बच्चा जो छोटा सा, लेकर आया घर में और पत्नी को बोलने लगा, ये अभी बहुत छोटा है लेकिन ये बड़ी जल्दी ही बड़ा हो जाएगा और हमारे बेटे का दोस्त बन जाएगा, मित्र बन जाएगा जी.
बोज द बेबी एंड मंगूज ग्रियो, ग्रो से बनाई ये ग्रियो, कि जो दोनों जो बच्चे थे, जैसे उनका फार्मर्स का जो बेटा था छोटा वो भी बेबी, और मंगूज बेबी जो बेबी मंगूज जो है वो भी बड़े होने लगते हैं घर में। इन 5 or 6 months द मंगूज एंड हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, अ लवली एनिमल विद टू शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल। द फॉर्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, 6 महीने बाद जो वो बेबी मंगूज है वो बड़ा हो जाता है, जबकि जो उनका छोटा बच्चा है किसान का जो बेबी है, सन है उनका बेटा, वो अभी भी क्रेडल में है। क्रेडल क्या होता है, एक चूल्हा जिसमें हम बच्चे को छोड़ करके उसके जुलाते हैं, तो वो अभी भी उसी में लेटा हुआ है। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटल क्रेडल। एक दिन किसान की जो पत्नी है वो मार्केट जाना चाहती है, और वो अपने जो बेबी जो है वो उधर क्रेडल में छोड़ा हुआ है, वो सोया हुआ है अपने झूले में, और उसको वो वहाँ पे छोड़ के जो है वो जाना चाहती है। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड हर हस्बैंड, और क्या है वो बच्चा अभी सोया हुआ था तो इसलिए उसको वो छोड़ के जा रही है बाज़ार में, लेकिन वो अपने पति को जो है वो बोल के जाती है कि आई एम ऑफ टू द बाज़ार, द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम, फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। वो कहती है कि मैं जा रही हूँ बाज़ार, तो बच्चा अभी सोया हुआ है तो इसलिए मैं उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहती, तो इसलिए आप उसका ध्यान रखना, क्योंकि वो बेबी मंगूस जो है उसके साथ में अकेला नहीं, क्योंकि वो एक जानवर है, उसे वो डर था उसे कि कहीं वो उसे कोई नुकसान ना पहुँचा दे। यू नीडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, द मंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल, इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स यू नो। लेकिन जो किसान जो है उसे पूरा विश्वास था, और वो कहता है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक फ्रेंडली एनिमल है जो हमारा बेबी मंगूस जो है, आप जानते ही हो हमारा बेटा और वो दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। क्या होता है कि उसकी पत्नी जब चली गई, किसान को काम करने के लिए कुछ नहीं था घर में, इसलिए वो भी सोचता है कि अभी बेबी मेरा सोया हुआ है तो क्यों ना मैं खेतों में काम कर लूँ, खेत में काम करने के लिए चला जाता है। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। उसे क्या होता है कि रास्ते में जो है वो अपने मित्र मिल जाते हैं, उनके साथ वो समय बिता देता है, लेकिन उसे घर की जो है वो याद नहीं रहती कि वापस जाना है मैंने, बेबी मेरा घर में है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है आपकी शॉर्ट स्टोरी जो है आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ये आपका जो पेज नंबर है 111 पेज है, तो इसका जो 4th पैराग्राफ यहाँ तक हम रखेंगे आज हम, कि वो किसान, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे कि किसान और वाइफ जब जो है वो वापस आते हैं घर में तो क्या होता है, तो ये सारी स्टोरी जो है हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की जो आपकी होम असाइनमेंट है वो क्या रहेगी, ये देखेंगे आप, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो आपने करने हैं। इसमें से मंगूज, ये होता है नेवला, फार्मर किसान, कंपेनियन
साथी, अलोन क्या होता है, अकेला, ग्रोन बड़े होना, लवली सुंदर प्यारा, शाइनिंग क्या होता है चमकीला, क्रेडल पालना होता है चूल्हा, यहाँ पे बच्चे को सुलाया जाता है या बच्चे का जो एक लेटाया जाता है यहाँ पर। तो ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आए हैं इनके मीनिंग्स आपको करने हैं। तो इसके साथ आपको क्वेश्चन नंबर जो है इसका वन जो है, व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूस इनटू द हाउस, जो फार्मर जो है वो बेबी मंगूस जो है वो क्यों लाया घर में, क्यों आप सभी जानते हैं, क्योंकि वो द फार्मर एंड हिज वाइफ वांटेड अ कंपेनियन फॉर हिज स्मॉल सन, सो द फार्मर ब्रॉट अ बेबी मंगूस इन द हाउस। वो क्योंकि अपने बेटे के लिए एक साथी चाहते हैं फ्यूचर में, इसलिए वो जो किसान एक दिन बेबी मंगूस जो है वो घर में लाया। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है आपको ये भी करना है आज की असाइनमेंट है मैं आपको, व्हाई डिडंट द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूस, जो फार्मर की वाइफ है वो अपने बेबी को जो है वो अकेला घर में क्यों नहीं छोड़ना चाहती है। तो इसका जो आंसर है आपने पढ़ा ही है, क्यों, बिकॉज शी वाज फियर दैट मंगूस मस्ट हार्म हर चाइल्ड, कि वो जो एनिमल जो है मंगूस उस पर ऊपर उसको विश्वास नहीं है, तो इसलिए वो उनके साथ जो है वो नहीं छोड़ना चाहती। तो ये आपकी आज की असाइनमेंट है।